लाइट को देखते रहो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ दिनों के लिए तुम्हें आराम करना होगा ऑप्टिमस, पर अच्छी बात यह है कि तुम्हारे सिस्टम से क्यूबॉनिक प्लेग निकल चुका है। सिर्फ तुम्हारी काबिलियत की वजह से मेरे दोस्त। नहीं, तुम्हारे बहादुर साथी की वजह से जिसने जोखिम उठाकर इलाज ढूंढा। किस्मत अच्छी थी जो मेगाट्रॉन जिंदा था। हाँ, कहते हुए मुझे भी अच्छा नहीं लगा। ये कोई मामूली बात नहीं कि तुम ठीक हो ऑप्टिमस, जबकि मेगाट्रॉन तो। इसने सही कहा, मैंने मेगाट्रॉन को मारने की पूरी कोशिश की थी। थोड़ा वक्त और मिलता तो उसका नाम और निशान मिटा देती। ऑप्टिमस फिलहाल बेखबर है कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ, पर उसे पता चल सकता है। मुझे अपने शरीर में जाना होगा, जिसके लिए मुझे तुम्हारे शरीर को पूरी तरह काबू में करना होगा। के स्टाइल में खेल शुरू किया जाए। कम ऑन बल्कहेड, क्यों ना बेस्ट आउट ऑफ थ्री हो जाए। बम्बलबी, रास्ता साफ है, फेंको, जल्दी से फेंको। बम्बलबी, बॉल के साथ चिपक क्यों गए? इसने फाउल किया। डॉज बॉल साइबरट्रॉन स्टाइल में। बी, हुप वहां है। बम्बलबी, तुम ठीक हो? हाँ, जाओ थोड़ा टहल लो। मुझे अपने शरीर में जाने से पहले उसे काम करने लायक बनाना होगा। याद करता हूं कि मेरी जान कैसे बची। याद आ गया, डार्क एनर्जॉन। स्टार स्क्रीम। क्या अंदर कोई है? नहीं, कोई नहीं। मेरे पास ही वो चीज है जिसकी मदद से तुम फिर से उठकर अपनी मनमानी कर सकते हो। माय डियर मेगाट्रॉन, तुम्हारे स्पार्क चेंबर से निकला ये इकलौता टुकड़ा इस प्लेनेट पर बचा है, लेकिन ये भी तुम्हारे दिमाग को ठीक नहीं कर पाएगा। डिसेप्टिकॉन्स को एक लीडर चाहिए, कोई सजावटी पुतला नहीं। उन्हें विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारे सिंहासन का हकदार मैं ही हूं, जब मैं उन्हें ऐसा प्लान बताऊंगा कि जैसे मेगाट्रॉन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अच्छे लीडर बड़ा सोचते हैं नॉकआउट। तुम्हें यहाँ आए कितना वक्त हुआ? काफी वक्त हो गया। और कमांडर नॉकआउट कहिए हमारे होने वाले लॉर्ड स्टारस्क्रीम। रैफ, क्लास शुरू हो रही है। बम्बलबी मुझे स्कूल छोड़ने नहीं आया और उसका कॉल लिंक फिर बंद है। कुछ पता है वो कहाँ है? चलो आगे बढ़ो, मेरा हुक्म मानो। बम्बलबी,
वो काम का था। तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हें मेगाट्रॉन नजर आ रहा है। बम्बलबी अजीब दृश्य देखने की शिकायत कर रहा था, जैसे जागते हुए बुरा सपना देखना। पर तुमने तो कहा था वो बिल्कुल ठीक है शारीरिक तौर पर, लेकिन जिस चीज से वो गुजरा है उसकी वजह से उसके दिमाग पर बुरा असर हुआ है। थोड़ी देर तक बंद रहने पर उसके दिमाग को आराम मिलेगा, जिससे वो ठीक हो जाएगा। ब्राइन, तुम्हें अंदाजा भी है कि डिसेप्टिकॉन्स क्या गुल खिला रहे हैं? नहीं स्पेशल एजेंट फाउलर, क्या हुआ? क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा था कि तुम उन्हें कवाई नेवल ऑब्जर्वेटरी में जाने से रोकोगे। उन्होंने उस जगह को बिल्कुल खंडर बना दिया है। डिसेप्टिकॉन्स को ऑब्जर्वेटरी से क्या चाहिए होगा? तुमने हॉइट निकोगोजियन का नाम सुना है? जिन्होंने स्पेस टेलीस्कोप बनाया। इतना कहूंगा कि उसका प्राइमरी लेंस चोरी हो चुका है। बिना ये जाने कि वो लेंस कहाँ है, स्टारस्क्रीम के इरादों का पता लगाना मुश्किल है। अच्छा हुआ लेंस पर एक ट्रैकिंग डिवाइस है। आर्कटिक में? बढ़िया, डिसेप्टिकॉन्स के अलावा उस बेरहम ठंड से भी लड़ना होगा। ये तो ND7 क्लास का है, सबसे बड़ा एनर्जॉन डिपॉजिट जिसे खोद नहीं सकते, और इसीलिए स्टारस्क्रीम उस एनर्जॉन को पिघलाकर हासिल करेगा, वो भी उस लेंस की मदद से। ग्लेशियर पिघलने से समुद्र स्तर बढ़ेगा और तट के पास के शहर बर्बाद हो जाएंगे। अब शुरू होता है लॉर्ड स्टारस्क्रीम का राज। मैंने फिनिश लाइन उससे पहले क्रॉस की, फिर मेरी सिस्टर प्लारा ने पूछा मैंने इतना अच्छा खेलना कहाँ से सीखा, और मैंने कहा मेरे दोस्त ने मुझे रेसिंग सिखाई। देखो रेफ, पावर डाउन मोड में बम्बल भी तुम्हें सुन नहीं सकता। देर हो चुकी है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली के पास छोड़ दूँ। मैंने बम्बल बी से रुकने का वादा किया था, वो भी तो फैमिली है। ये क्या कह रहे हो, तुम्हारी प्रजाति भी बिल्कुल अलग है। मेरा मतलब है कि ये मेरी फैमिली जैसा ही है, कुछ दिखाता हूँ। ये है मेरी फैमिली। हाँ, अच्छी है। कितने लंबे हैं ना, कभी कभार तो चिल्लाने पर भी मुझे सुन नहीं पाते। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन बम्बल भी सुनता है और मैं उसे समझ पाता हूँ, पता नहीं क्यों पर समझता हूँ। ठंड पिछली बार से थोड़ी कम है, अचानक ये कैसे हुआ? देखो इसकी वजह से हुआ है। ऑटोबॉट्स, याद है ना पॉलीहेक्स पर अंत में क्या हुआ था? सुनो रेफ, मैं गोडाउन में जाकर इसे ठीक करने के लिए पुर्जा ढूंढने जा रहा हूं, और मेरी गैर हाजिरी में किसी भी चीज को मत छूना। मैं नया लैपटॉप खरीदने के लिए पैसे बचा रहा हूँ। बी बम्बलबी रुको, बम्बलबी तुमने कुछ किया क्या? कुछ नहीं, वो अपने आप ही चलने लगा। वो पावर डाउन मोड से उठते ही कहाँ जा रहा है समझ में नहीं आ रहा। वो कहाँ है? तो उस जगह पर गया है जहाँ पर एक बार हमारी लड़ाई मेगाट्रॉन के मुर्दों की फौज से हुई थी। हमें ऑप्टिमस को बताना होगा। ऑप्टिमस का ध्यान बर्फ को पिघलने से रोकने में लगा होगा।
हमें इससे खुद निपटना पड़ेगा। बम्बलबी, तुम अचानक वहां क्यों गए थे? डार्क एनर्जॉन। बम्बलबी, क्या कर रहे हो? बम्बलबी, प्लीज, मैं जानता हूं तुम ऐसे नहीं हो। जो भी तुमसे ये करवा रहा है तुम्हें उससे लड़ना होगा। रैचेट, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, लेकिन बम्बल भी ठीक नहीं है। लगता है मेगाट्रॉन के दिमाग में वक्त गुजारने की वजह से वो डिसेप्टिकॉन की तरह सोचने लगा है। वो डिसेप्टिकॉन नहीं है। मानता हूं, लेकिन ये पता लगाना होगा कि बम्बल भी उस डार्क एनर्जॉन के साथ क्या करना चाहता है। पर डार्क एनर्जॉन की जरूरत तो सिर्फ उसी को थी, मेगाट्रॉन को। बम्बल भी मेगाट्रॉन की याददाश्त पर चल रहा है। उससे भी बुरा, क्योंकि अब मेगाट्रॉन बम्बल भी के दिमाग को चला रहा है। क्या? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? साइकिक पैच से दिमाग में जाने और निकलने दोनों का रास्ता है। बम्बल भी का पीछा करते करते मेगाट्रॉन उसके दिमाग में आ गया, और अब बम्बल भी यानी मेगाट्रॉन हमारे इस्तेमाल किए हुए किसी कोऑर्डिनेट पर गया है। तुम यहीं रुको। नहीं, उसे मेरी जरूरत है। बेशक जरूरत है। वाह, प्लान को पूरा होते देख कितना मजा आता है। प्लीज लॉर्ड स्टारस्क्रीम, अपने कमांडर को नेक काम करने दीजिए। ब्रेकडाउन, संभालो उन्हें। ये तो डिसेप्टिकॉन की वॉरशिप है। क्या ये बम्बलबी ने किया? मेगाट्रॉन का दिमाग उस पर हावी हो चुका है, और उसके यहां आने का मकसद साफ है, डार्क एनर्जॉन की मदद से अपने शरीर को जिंदा करना। नहीं, बम्बलबी उसे रोकेगा, वैसे ही जैसे उसने मेगाट्रॉन को रोका था। काश तुम्हारी बात सच निकले। ये बम्बलबी नहीं है। बम्बलबी नहीं, याद करो तुम कौन हो, मुझे याद करो। मैं जानता हूं तुम मेरी बात हमेशा मानते हो। मैं हूँ रैफ, पहचानो मुझे। ये क्या बकवास है? अलविदा मेगाट्रॉन। बम्बलबी, बम्बलबी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा। मैं चाहता हूं तुम बी के शरीर से निकलो, पर मैं तुम्हें तुम्हारे शरीर में नहीं लौटने दूंगा।
डिसेप्टिकॉन्स, तुम्हारा असली मालिक और सरताज लौट आया है। मसल दो इन्हें, मुझे एक गद्दार को सबक सिखाने जाना है। तुम्हें बर्फ में दफन कर दूंगा। बॉट्स के पास इतना छोटा स्टाफ क्यों है? लेकिन वो कमांडर ही किस काम का जो आने वाले खतरे को भांप ना सके। हटो मेरे सामने से। मेगाट्रॉन की सबसे बड़ी गलती थी प्राइम। मेगाट्रॉन वो लौट आया। लॉर्ड मेगाट्रॉन, आप तो ठीक हो गए। लाख लाख शुक्र है, चमत्कार हो गया। ओ, चमत्कार तो तब होगा स्टार स्क्रीम, अगर तुम सजा के बाद भी जिंदा बचे तो। लेकिन वो ऑटोबॉट्स, ऑप्टिमस, वो यही है, उन्हें खत्म कीजिए। मेरी सबसे बड़ी गलती तो तब होगी जब मैं तुम्हारी बातों में फिर से आ जाऊंगा। नहीं मास्टर, नहीं, नहीं। रैचेट, हमें ब्रिज चाहिए। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, हमें भी चाहिए। सब कुछ ठीक हो गया, मेरा मतलब सिर्फ बम्बलबी के लिए। कोई बात नहीं, बिल्कुल कहता हूँ, जानता हूँ। क्या कहा इसने? ये थैंक्स कह रहा था।